गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 10th लेवल 2 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जो आपका यूनिट नंबर 3 है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स में सेशन नंबर 1 बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टार्टिंग ए कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, आपने कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करना चलाना है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू आफ्टर यू वेक अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम आप क्या करते हैं। व्हाट इफ योर फादर टेल्स यू टू डू योर होमवर्क इमीडिएटली, जब आपके पिताजी आपको जो आपका घर का काम स्कूल से करने के लिए मिला हुआ है उसको जल्दी से ख़त्म करने के लिए कहते हैं तो आप क्या करते हैं। कैन यू डू इट, क्या आप उसको कर सकते हैं। नॉर्मली यू वुड डू सम डेली एक्टिविटीज़, आमतौर पर आप रोज की कुछ गतिविधियाँ करते हैं। एंड गेट रेडी बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग, और तैयार हो जाते हैं, अगर आपने कोई भी काम करना है उससे पहले आप तैयार होते हैं, तैयारी करते हैं उस काम करने के लिए। सिमिलरली व्हेन ए कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, उसी तरह जब आप कंप्यूटर को चलाते हैं स्टार्ट करते हैं, इट परफॉर्म सम बेसिक प्रोसेस और फंक्शन बिफोर इट रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र। ये कुछ बेसिक प्रोसेस मूलभूत प्रक्रिया या फंक्शन चलाता है बजाय इसके कि यूज़र इसमें कुछ यूज़र से ये कुछ इंस्ट्रक्शन प्राप्त करें किसी काम को करने के लिए। तो ये अपनी कुछ प्रक्रिया करता है, कुछ प्रोसेस करता है जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं, कंप्यूटर की पावर ऑन करते हैं, कुछ बेसिक प्रक्रिया करता है। टू स्टार्ट ए कंप्यूटर प्रेस द पावर बटन ऑन द सीपीयू, जब आपने सबसे पहले कंप्यूटर को स्टार्ट करना है तो सीपीयू में पावर बटन आपने प्रेस करना है, दबाना है। दिस इज स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा विंडोज 7, विंडोज 10, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा आपका कंप्यूटर सिस्टम में, जो सॉफ्टवेयर होगा सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे आप सिस्टम ऑन करोगे तो वो रन हो जाएगा, उसका लोगो नज़र आएगा, उसकी स्क्रीन नज़र आएगी, जो भी आपकी विंडो आपकी इंस्टॉल होगी, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल होगा। मान लीजिए उबंटू जो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उबंटू का डेस्कटॉप आपका मॉनिटर स्क्रीन में नज़र आ जाएगा, शो हो जाएगा। बेसिक फंक्शन परफॉर्म व्हेन ए कंप्यूटर स्टार्ट, अब कौन से बेसिक आपके मूलभूत जो मुख्य तौर पर जो फंक्शन आपके होते हैं परफॉर्म होते हैं चलते हैं जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। जस्ट एज वी गो अबाउट आवर मॉर्निंग रूटीन विदाउट एनीवन टेलिंग अस व्हाट टू डू, जैसे हम सुबह उठते हैं अपने रोज की दिनचर्या काम करते हैं बताए बजाय इसके किसी को बताएं हम ये हमने काम कर रहे हैं, सुबह उठते ही वो काम अपना करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही जैसे एक कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन से बेसिक प्रोग्राम, जैसे कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं स्विच ऑन करते हैं तो एक कुछ बेसिक प्रोग्राम रन करता है, मतलब बायोस रन करता है। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का बेसिक प्रोग्राम चलेगा, वो कुछ चेक करता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम को चेक करेगा, पेरिफेरल डिवाइसेस को चेक करेगा और सिस्टम को चेक करेगा, सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं वो सही तरह से चल रही नहीं चल रही, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सामने डिस्प्ले कर देगा आपको, अगर ओके है तो शो करेगा। द बायोस फर्स्ट डज द सेल्फ टेस्ट, सेल्फ टेस्ट मतलब खुद से टेस्टिंग करता है बायोस सिस्टम की, सिस्टम ओके या नहीं है, सॉफ्टवेयर ओके, जो पेरिफेरल डिवाइसेज जितनी है आपकी वो ओके या नहीं, सॉफ्टवेयर ओके है या नहीं है, थोड़ा चेक करता है। इफ़ द सेल्फ टेस्ट शोज दैट द सिस्टम इज़ फाइन, खुद का जो टेस्टिंग होगी बायोस के द्वारा वो अगर बिल्कुल सही है वो शो कर देगा दैट्स फाइन, बिल्कुल सही है तो आपका सॉफ्टवेयर रन होने के लिए तैयार है, फिर आपका सॉफ्टवेयर रन होगा। द बायोस विल लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद क्या करेगा, बायोस का काम क्या होगा, बेसिक इनपुट सिस्टम का, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके ऑपरेटिंग आपके सिस्टम में लोड कर देगा, चला देगा मतलब। दिस मीन दैट द कंप्यूटर इज ऑपरेटिंग सिस्टम
समझ गया आप। अबंतु के बारे में अगर बात करें, अबंतु जो है आपका लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इज नाउ रेडी टू टेक यूजर इनपुट। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रन हो जाएगा, चल जाएगा, फर्स्ट स्क्रीन आ जाएगी, डेस्कटॉप आ जाएगा, उसके बाद आप इसमें डाटा इनपुट कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। लॉगिन और लॉग आउट क्या होता है, लॉगिन के बारे में जानेंगे, कैसे हम लॉगिन करते हैं और कैसे हम लॉग आउट करते हैं। लॉगिन का मतलब, अगर आपने जैसे कि यूज़र आईडी बनाई, यूज़र आईडी बना के उसमें लॉगिन कर लिया, उसके बाद वो यूज़र आईडी से हम बाहर आ गए, बाहर आने का मतलब होता है लॉग आउट करना। जस्ट लाइक वी कीप अवर कपबोर्ड्स लॉक्ड एट होम, जैसे कि अलमारी को हम घर में बंद करके रखते हैं, अगर हमें कोई जरूरत नहीं है अलमारी में से हम जो सामान निकालना है निकाल लिया, उसके बाद अलमारी को बंद करके हम रख देते हैं। जो भी काम करना है अलमारी में जो सामान निकालना है, उसको सामान को यूज़ करके दोबारा सामान को वापस रख के उसके बाद अलमारी को बंद कर दिया जाता है, वैसे ही वी नीड टू कीप अवर कंप्यूटर लॉक्ड व्हेन वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट। जैसे हम कंप्यूटर में हमारा काम खत्म होता है, जो भी हमने कंप्यूटर सिस्टम में काम करना है, काम करने के बाद कंप्यूटर को हम बंद कर देते हैं। This will ensure that not authorized person can see or make changes to our information without taking our permission. कंप्यूटर बंद करने का, लॉक करने का मतलब पर्पज हमारा ये रहता है ताकि जो अनऑथराइज पर्सन है, अनाधिकृत व्यक्ति है, जो सस्पिशियस पर्सन है, वो हमारे डाटा को चुरा ना सके, देख ना सके और उसमें कोई चेंजेस ना कर सके, उसमें कुछ ऐड ना कर सके, डिलीट ना कर सके हमारी आज्ञा के बिना। To make sure your computer is locked, you have login ID or password. अगर आप ID क्रिएट करते हो तो ID क्रिएट में आपको एक पासवर्ड भी देना होता है। लॉगिन ID और पासवर्ड आपने दिया है तो आपका सिस्टम सिक्योर है। जब तक किसी को अगर आपके ID का पासवर्ड नहीं पता, वो आपके सिस्टम में लॉगिन नहीं कर पाएगा, एंटर नहीं कर पाएगा, तो पासवर्ड होना जरूरी है, ID और पासवर्ड होना जरूरी है। लॉगिन एंड पासवर्ड इज लाइक की टू द लॉक विच अलाउज यू टू यूज द कंप्यूटर। अगर आपको जो भी आईडी बनी हुई है सिस्टम में, उसका एक पासवर्ड अगर आपको आपने दिया हुआ है जिससे आपका सिस्टम लॉक रहेगा, अगर आपको आईडी का पासवर्ड पता है तो पासवर्ड, उस आईडी के पासवर्ड के द्वारा आप लॉगिन कर पाओगे। लॉगिन करने के बाद अपना काम आप कंप्यूटर में कर सकते हो। When you log into the computer with your login ID and password, the computer knows that you are an authorized person. अगर आपको ID और password पता है, इसका मतलब यह है कि आप authorized person हो, आप system के मालिक हो, आप system को use कर सकते हो। Allows you to work on the application, मतलब application जो भी computer में applications दी हुई हैं उनमें आप काम कर सकते हो, जैसे MS Word में आप काम कर सकते हो, Word Excel में आप काम कर सकते हो, सारी आपकी एप्लीकेशन होती हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती हैं, वर्ड, एक्सेल, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस। वंस यू फिनिश वर्किंग यू मस्ट लॉग आउट। आपने काम कर लिया वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आपने काम कर लिया, काम करने के बाद आपने अब सिस्टम से बाहर आना है, आप सिस्टम को बंद करना है, लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए आप क्या करोगे, लॉग आउट करना पड़ेगा आपको। तो लॉग आउट कैसे करेंगे, जैसे इसमें मेज दी हुई है, लॉगिन स्क्रीन है, लॉगिन स्क्रीन में जैसा आपने फर्स्टली आपने सिस्टम को ऑन करना है, सिस्टम पावर आपने ऑन की, ऑन करने के बाद बायोस सारा चेक होने के बाद आपके आईडी और पासवर्ड इस तरह से आ जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम रन होने के बाद, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद आईडी और पासवर्ड जैसे आपको सामने नजर आ रहा है, यूजर नेम पासवर्ड, आप यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आप लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद आप जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में काम करना है उसमें काम खत्म करने के बाद, अब राइट साइड में जो स्क्रीन दी हुई है आपकी लॉग आउट की, उसमें लॉग आउट दिया हुआ है शट डाउन। तो लॉग आउट का मतलब अपनी लॉगिन से बाहर आओगे, यूजर लॉग आउट करेगा अपने लॉगिन से, उसके बाद नेक्स्ट यूजर भी, मल्टीपल यूज़र भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा यूज़र भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकते हैं। तो जो भी यूज़र आएगा अपना आईडी और पासवर्ड डालेगा और अपने लॉगिन में काम करेगा, अपने लॉगिन से लॉग आउट होगा। ऐसे ही अगर आपने कंप्लीट पूरा सिस्टम ही क्लोज करना है, बंद करना है, तो शटडाउन पे आप क्लिक करोगे। शटडाउन पे क्लिक करने से क्या होगा, आपका जो पूरा सिस्टम है पूरा बंद हो जाएगा, पावर बंद हो जाएगी और आपका जैसे शटिंग डाउन ए कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर कहते शटडाउन। You can shut down the computer in Ubuntu by clicking system button at the top right. जैसे मैंने आपको बताया था system button at the top right. Top right में system button जो दोगा उस पर आप क्लिक कर दोगे shut down पे, इससे आपका system shut down हो जाएगा, system बंद हो जाएगा। तो बेटा सिस्टम विल क्लोज ऑल द एप्लीकेशन, इससे क्या होगा, shut down से क्या होगा, जितने आपके एप्लीकेशन
ओपन होंगी सारी बंद हो जाएंगी, जैसे एमएस ऑफिस में वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट जो भी आपने ओपन किया होगा वो सारा क्लोज हो जाएगा और सिस्टम आपका बंद हो जाएगा।